दोस्तों जय हिंद। आप देख रहे हैं टाइम्स मेल, मैं हूं राशि। पूरे भारत देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है और पिछले एक साल से ये कहर जारी है। इस एक साल में भारत में काफी कुछ बदला। पहले साल जहां ताली और थाली की आवाजें थी उनका शोर था, तो अब भारत में मरीजों की चीखों का शोर है। पहले साल जहां पूरे भारत में दिए जलाए जा रहे थे, तो अब उसी भारत में हर जगह चिताएं जलाई जा रही हैं, और इसकी जिम्मेदार है मोदी सरकार, क्योंकि मोदी सरकार ने उस तरीके के इंतजाम नहीं किए जो कोरोना वायरस को खत्म करने में या उस संक्रमण को रोकने में कारगर साबित होते हैं। अब हम देख रहे हैं कि हर जगह लाशों का ढेर है, चाहे गंगा की बात हो, बालू के मैदान हो, हर तरफ लाशें दिखाई दे रही हैं, और इन्हीं लाशों पर पर्दा डालने का काम मोदी सरकार कर रही है। लेकिन लाशों पर पर्दा डालते डालते मोदी सरकार खुद ही बेपर्दा हो गई है। एक रिपोर्ट के बारे में हम आपको बताएंगे जिसका दावा है कि भारत में अब तक कोरोना वायरस के 42 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन जो सरकारी आंकड़ा है वो 3.7 लाख के आसपास ही सिमटा हुआ है। इस रिपोर्ट के बारे में आपको बताते हैं, ये रिपोर्ट दी है न्यूयॉर्क टाइम के अखबार ने, जहां पर बताया गया है कि भारत में मरने वालों का आंकड़ा 14 गुना ज्यादा है। यानी कि अभी भारत में 3.7 लाख मौतें जो है वो केंद्र सरकार मोदी सरकार ने बताई है, लेकिन असल आंकड़ा जो है वो 42 लाख तक हो सकता है, और कोरोना की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। लेकिन हमारी मोदी सरकार लोगों को सच्चाई बताने की जगह लोगों से सच छिपा रही है, लाशें छिपा रही है, और उनको लगता है कि अगर वो लाशें छिपाएंगे तो जनता में उनकी बड़ाई हो जाएगी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आगे लिखा है कि भारत में ना तो टेस्टिंग हो रही है, ना ही मरीजों की मौतों का रिकॉर्ड ठीक तरीके से किया जा रहा है। ऐसे में सही आंकड़े का अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन जो तस्वीरें हमने देखी हैं, यानी कि अस्पताल भरे हुए हैं, शमशानों में शवों से लाशें जो हैं वो पटे हुए हैं, इसके बाद हमने ये पूरी जो रिपोर्ट है ये पेश की है। अखबार का दावा है कि उसने ये आंकड़ा 3 नेशनल सीरो सर्वे के अध्ययन के आधार पर तैयार किया है, और करीब दर्जन भर एक्सपर्ट की राय भी इस पूरे आंकड़े को तैयार करने में ली है। लिहाजा ये बात सही है कि हम जहां पर देख रहे हैं कि हर जगह लाशें हैं, तो 3 लाख मौत का आंकड़ा काफी कम है, लेकिन भारत सरकार अपनी छवि सुधारने के लिए ऐसा कर रही है और आंकड़े छिपा रही है। हमने देखा है कि जब से गंगा में यूपी में जब से लाशें मिली हैं, तब से लगातार योगी सरकार जो है वो लाशों को छिपाने का कोशिश कर रही है। बालू के मैदान में कुछ लाशें छिपाई गई हैं, इसके अलावा लाशों के ऊपर डले कफन को भी हटाने की योगी सरकार कोशिश कर रही है, ताकि दूर से वो नजर ही ना आए कि ये लाशों से पटा मैदान है। इसके अलावा मोदी सरकार लगातार कोशिश करती है कि भारतवासियों को तमाम उल जलूल चीजों में उलझाया जाए। पिछले साल जब कोरोना आया था, तब भारतवासियों को उलझाया गया कि आप ताली बजाइए, थाली बजाइए, दिए जलाइए और बर्तन बजाइए, इसके जरिए कोरोना वायरस भाग जाएगा। जनता कर्फ्यू का लॉलीपॉप भारतवासियों को पकड़ाया गया कि 24 घंटे में कोरोना वायरस निष्क्रिय हो जाता है, इसीलिए 24 घंटे का जनता कर्फ्यू हम लगा रहे हैं। लेकिन ये तमाम जो बातें हैं ये फेल होती नजर आई, और इसके फेल होने का कारण यह है कि भारत में ना तो ऑक्सीजन है, ना ऑक्सीजन बेड है, ना वेंटिलेटर है, ना दवाइयां, ना इंजेक्शन, और ना ही वैक्सीन। वैक्सीन को जो कोरोना वायरस की लड़ाई है उसमें काफी अहम माना जा रहा है, लेकिन भारत सरकार के पास अभी तक ज्यादा वैक्सीन नहीं है, और यही वजह है कि जो युवा है वो लगातार वैक्सीन पाने की उनमें होड़ सी मची हुई है, और वो कोशिश करते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं होता, उसके बाद बमुश्किल उन्हें वैक्सीन मिल पा रहा है। तो मोदी सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब से न्यूयॉर्क टाइम की ये रिपोर्ट आई है, तब से मोदी सरकार के आंकड़ों की पोल खुल गई है कि किस तरीके से मोदी सरकार जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। लेकिन ये रिपोर्ट के बाद खुलासा हो गया है कि भारत में कई गुना ज्यादा मौतें हुई हैं, कोरोना काफी ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। इसलिए हमारी आपसे यही अपील है कि आप अपना ख्याल रखें, कोरोना वायरस से सुरक्षित रहें।